बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उबलते हुए दूध में अदरक डालेंगे और एक आज ऐसा ड्रिंक बनाएंगे कि जिसके पीने के बाद आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेंगे अदरक, जिसको आपने छील लेना है। इसके बाद आप अदरक को पीस लेंगे अच्छे तरीके से। मशीन की मदद से आपने अदरक को नहीं पीसना। अब जैसे ही अदरक आपके पास पिसा जाएगा, इसको आप रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ आप एक पतीले के अंदर पानी डालेंगे, जो है आपके पास तकरीबन 1.5 कप। जैसे ही आप 1.5 कप जो है वो पानी डालेंगे, इसके बाद आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद 1/2 टीस्पून आप इसमें डालेंगे अदरक। अदरक डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि जब तक इसका अच्छे तरीके से एसेंस इसमें ना निकल आए, और आपने फ्लेम को जो है वो आहिस्ता कर देना है। जैसे ही इसका एसेंस निकल रहा है, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, एक पैन के अंदर बहुत थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे। जैसे ही वो उबलेगा, इसके बाद आप इसमें डालेंगे मसाला। ये कौन सा मसाला है जो कि आगे जाकर मैं वीडियो में बताती हूँ। इसके बाद 2 टेबल स्पून जो है हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे और आप इसको पकाना शुरू कर देंगे, आपने इसको इतना पकाना है कि सबसे पहले जो है इसकी चीनी जो है वो मेल्ट हो जानी चाहिए। और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसके बाद आपने इसके लिए वेट करना है जब तक ये चीनी अपना कलर जो है वो ना बदल जाए। असल में यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं कि हम इसका कैरेमल बना रहे हैं। कैरेमल इतना भी नहीं बनाएंगे कि हम ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। बस आपने इतना बनाना है कि ये बस थोड़ा सा अपना कलर बदल ले। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कैरेमल बनता चला जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आप मुसलसल जो है वो तेज़ी से चम्मच चलाते चले जाएं। अब हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, तो अब आपने ये करना है कि इसको साइड पर रख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरा से पैन लेना है, जिसमें आपने 1 टीस्पून जो है वो डालना है सौंफ, थोड़ी सी जो है वो सिनेमन स्टिक है, काली मिर्चें हैं और लौंग के तकरीबन 4 अदद हैं। इसके बाद आप इसमें डालेंगे 2 इलायचियाँ डालेंगे, और लास्ट में आप इसमें डालेंगे बादियान का फूल। बस इतने थोड़े से मसाले हैं, जिसको आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है रोस्ट कर देना है। जैसे ही आप रोस्टिंग करेंगे, तो बहुत खूबसूरत और मज़ेदार सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि हल्के से आँच पे जो है, जब आप इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे, तो अब आपने इसको रख देना है साइड के ऊपर। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का सा रोस्ट हो चुका हुआ है। दूसरी तरफ हमने ये करना है कि जो रोस्ट हुआ हुआ मसाला आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने अच्छे तरीके से पीस देना है। याद रखिएगा कि मशीन की मदद से बिल्कुल नहीं पीसना, वरना सारी रेसिपी का जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब जो शुरू में चीनी मेरे पास थी ना, उसमें मैंने यही डाला था मसाला। अब जो पानी उबल रहा था अदरक वाला, उसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून ये मसाला डाल दिया है। जितना पानी डाला था, उतना ही आपने इसके अंदर डाल देना है दूध। अब आपने दूध डालना है, तकरीबन 1.5 कप डालना है, ठीक है। 1.5 कप दूध डालने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि अदरक ने तो पहले ही पानी छोड़ दिया था, मसाला छोड़ दिया था, और दूसरा मसाला डालने के बाद भी और एसेंस आ जाएगा। इसके बाद चीनी और पत्ती डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। ये मसालेदार चाय इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी, और आप यकीन करें कि इसकी जो खुशबू आ रही थी, उससे दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि इसको फ़ौरन पी लिया जाए। अब आपने क्या करना है कि पहले सबसे पहले हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। आपके पास जो चाय होती है, उसका जब से अच्छा जो कलर होता है, एक तो वो कैरेमल बनाया उससे आएगा, फिर पत्ती, और जितनी ज़्यादा देर तक आप फेंटते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इसका मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे तरीके से कट चुकी हुई है, तो आपके पास जो पैन होता है, उसके साइड्स पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही चाय की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि चाय अच्छे तरीके से कट चुकी है। अब आपने क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से जो है वो काटना शुरू कर देना है लो आंच के ऊपर। चाय जो है वो कभी भी तेज़ आंच पे नहीं पकाई जाती, हमेशा लो आंच पे पकाई जाती है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो है इसका कलर आ चुका हुआ है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, आप यकीन करें, सर्दियों में आप इसको बनाएं, या जब भी आपको थकावट महसूस हो रही हो, तो आप चीनी वाली इस तरह की चाय बनाएं। और दूसरी बड़ी बात ये कि इसमें जो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी मैंने, क्योंकि इसे चीनी के तेज़ रखने से बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। मेहमानों के सामने आप पेश करें, सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो, तो इस तरह की मसालेदार जो चाय होती है वो
थकान को भी दूर कर देती है और माइंड को भी रिलैक्स कर देती है ना। कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी। तो इसी तरीके की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।